Dear students, today we are discuss about the oxidizing agent or reducing agent. Oxidizing agent, जिसको हम oxidant भी बोलते हैं, और reducing agent, जिसको हम reductant भी बोलते हैं. तो आइए बात करते हैं पहले oxidizing agent की. Oxidizing agent और oxidant are those compound which can oxidize other and reduce itself during the chemical reaction. मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो कंपाउंड होते हैं जो खुद को रिड्यूस करते हैं बट दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, उन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट बोलते हैं. अब देखिए, दी थ्री एजेंट इन विच फॉर एन एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज. मतलब ये वो रिएजेंट होते हैं जो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करते हैं, और विच अंडरगो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन करके ये ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करते हैं, इन्हें रेडॉक्स रिएक्शन, उनको हम ऑक्सीडेंट बोलते हैं. तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साथ साथ चलती है, उन्हें रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं. अब देखिए एग्जांपल लेते हैं हम KMnO4. अब इसके अंदर देखिए जो मैग्नीज है सेंट्रल मेटल एटम, वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है. अब देखिए K2Cr2O7, इसके अंदर क्रोमियम सेंट्रल एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है, और HNO3 में जो नाइट्रोजन है वो सेंट्रल एटम, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, और कंसंट्रेटेड H2SO4 में जो सल्फर है सेंट्रल एटम, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है. तो ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. कैसे, अब देखिए KMnO4 में जो मैग्नीज है उसका देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है. ये क्या काम करेगा, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा उसके इलेक्ट्रॉन छीन के, और खुद को रिड्यूस करेगा इलेक्ट्रॉन गेन करके. तो इसके अंदर देखिए जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +7, वो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा मतलब खुद को रिड्यूस करेगा, तो जिसको ऑक्सीडाइज कर रहा है उसके इलेक्ट्रॉन छीन के ये खुद के ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज कर देता है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखिए +7 बहुत ज्यादा है, तो इसका काम है इलेक्ट्रॉन गेन करना. अब इसी तरह जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं ये सारे ऑक्सीडेंट के एग्जाम्पल है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद के ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज करते हैं, और जो रिएक्टेंट इनके साथ रिएक्शन कर रहा है उसको ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं, इसलिए इन्हें ऑक्सीडेंट कहा जाता है. अब बात करते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट की. अब देखिए रिड्यूसिंग एजेंट आर दोज कंपाउंड व्हिच कैन रिड्यूस अदर एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. मतलब रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिडक्टेंट वो कंपाउंड होते हैं जो दूसरे को रिड्यूस करते हैं एंड खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं, उन्हें हम रिडक्टेंट बोलते हैं. अब देखिए दोज एजेंट इन विच फॉर एन एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है. जो रिडक्टेंट है इनके एलिमेंट के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, क्योंकि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, इन्हें रेडॉक्स रिएक्शन, तो इनको हम रिडक्टेंट बोलते हैं. जैसे एग्जाम्पल देखिए पोटेशियम आयोडाइड KI, इसके अंदर देखिए पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करके ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर सकता है. और इसी तरह Na2H2O3, ये जो कंपाउंड है इसके अंदर जो ये देखिए सल्फर सेंट्रल मेटल एटम है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये खुद के इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपना खुद का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर सकता है +6 तक अपना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर सकता है, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इनके अंदर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, मतलब दूसरे को ये रिड्यूस करते हैं और खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं, इसलिए इन्हें रिडक्टेंट बोलते हैं. अब देखिए कुछ कंपाउंड सम कंपाउंड आल्सो विच कैन वर्क बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेंट और एंड रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिडक्टेंट, जैसे हाइड्रोजन परोक्साइड, नाइट्राइड, ये वो कंपाउंड है जो ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट दोनों का काम करते हैं. अब देखिए हम आइडेंटिफाई करना कैसे कर सकते हैं, आइडेंटिफाई भी पार्टिकुलर सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट है. तो सबसे पहले देखिए आप क्या करें, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करिए. अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है मतलब +5, +6, +7 है, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. जैसे एग्जांपल देखिए KMnO4, इसके अंदर देखिए मैग्नीज का जो सेंट्रल एटम है
उसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए प्लस 7 है, K2Cr2O7 में देखिए जो क्रोमियम है उसका प्लस 6 है ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम का, और HNO3 में देखिए नाइट्रोजन का प्लस 5 है, और कंसेंट्रेटेड H2SO4 में देखिए जो सल्फर सेंट्रल एटम है उसका प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीडेंट। अब देखिए अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है जैसे +1 +2, तो ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जांपल देखिए पोटेशियम आयोडाइड, इसके अंदर देखिए पोटेशियम का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और Na2H2O3 इसके अंदर देखिए जो सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि जो सेंट्रल एटम है उसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, और अगर सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट है बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का, मतलब +3 या +4, वो है तो इट कैन एक्ट बोथ एज रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसको हम डिसप्रोपोर्शनेट भी बोलते हैं। तो देखिए जो H2O2 हाइड्रोजन परोक्साइड और NO2 मतलब नाइट्राइड, ये एग्जांपल है रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट दोनों के, मतलब ये दोनों का काम करते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो इंटरमीडिएट होती है मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की, इसलिए ये क्या है? ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट दोनों ही है। थैंक यू।